फाइनली मुझे TNT। ये क्या बोल रहा है? रुको। यस, फाइनली मुझे TNT मिल गई। अब मैं पूरी ऑगी एसएमपी को उड़ा दूंगा। व्हाट? ऑगी एसएमपी को उड़ा दूंगा? गाइस, ये मॉन्स्टर ऑगी एसएमपी को उड़ाना चाहता है। फटाफट से जाके एसएमपी वालों को बताना होगा। मैं एसएमपी में आ तो गया हूँ, पर वो लोग कहाँ पे है? स्टार्ब्लेड और नूब भाई, रुको ढूंढने दो। ओके, ये इधर दोनों ऊपर बैठे हैं, चलो फटाफट। नूब भाई देखो, एसएमपी पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो। पहले आप एसएमपी से बाहर निकलो, आपने बोला था। अरे और वो 150 ml कौन देगा? अरे उस प्यारे उनको, रुको मैं अभी देके आता हूँ 150 ml। रुक जाओ अभी, रुको। उस प्यारे उनको पहले ढूंढना पड़ेगा यार, एसएमपी में पता नहीं कहाँ पे। A few minutes later। ठीक है, ओए सुन, देखो मैं तुम्हें तेरे 150 ml दे रहा हूँ, फिर निकल जाना एसएमपी से। हाँ दो 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 जल्दी, मैं इसके लिए इंतजार कर रहा था। हाँ ये मिल गए। हाँ मैं जा रहा हूँ अभी, देखना वापिस एसएमपी में दिखाई मत देना, ठीक है? ओके ठीक है, चल निकल साला, इसकी वजह से ही सब हुआ है। नूब भाई मैंने अब उसको एमएलएस दे दिया, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे नहीं सुननी आपकी बात, आप बहुत खराब हो। अरे मेरी बात सुनो यार, इसको इनको लालच देनी पड़ेगी। ये लो ये मेरे पास थोड़े एमएलएस है, ये ले लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ अभी सुनूंगा ना। हाँ अभी देखो, स्टार्ब्लेड और नूब भाई देखो, एक मॉन्स्टर है, वो 3 stack TNT लेके हमला करने वाला है एसएमपी पे, तो हमें उससे पहले तैयार होना होगा। तो क्या करना है हमें? ना केस में जाके सबसे पहले आयरन का आर्मर बनाना होगा। हाँ चलो चलो, इधर एसएमपी TNT से उड़ने वाली है और तू इधर खेती बाड़ी कर रहा है यार, ये क्या है? चलो भैया, मुझे लगता है ये आयरन स्मेल्ट करने के लिए कोल काफी नहीं होगा। यार कोल भी अभी मैं ही लाऊं यार, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और पिछले एपिसोड में लोगों ने कमेंट्स कर करके मतलब मुझे पका दिया कि मेरे पास ज़ॉम्बी हेड कहाँ से आया। जाके एपिसोड 5 देखो, उसमें सब पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाओ। और स्टार्ब्लेड, पिछले एपिसोड में तुम्हारे पास डेमिन का आर्मर था ना, वो मुझे दे दो, अभी मैं लीडर हूँ ना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? अरे स्टार्ब्लेड तुम्हारे पास डेमिन का आर्मर कब आया? अरे ये यार मुझे दो। अरे ये बहुत ग्राइंड करता है, बहुत अच्छा बच्चा है, देखो मस्त इसने आर्मर दे दिया ना। सो क्या तुम लोग तैयार हो हीरो बनने के लिए? हाँ बस भैया चलो। जय महेश्वर। चलो स्टार्ब्लेड चलो, नूब भाई फटाफट। वेट रुको, उधर क्या है? एक मिनट, नो भाई भाई साहब, ये क्या हो गया? उधर कौन है? उसने ऑलरेडी TNT लगा लिए, ये शिट। ओए रुक जा कुछ मत करना, देखो TNT मत फोड़ना। यार पासु भैया ये कौन है? अरे यही है वो मॉन्स्टर यार, इसने लावा का पुल बनाया, ये क्या यार? देखो TNT मत फोड़ना, कुछ भी कर लो। तुम लोगों में से पहले कोई लावा में कूदो। हम में से पहले कौन मरेगा? तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? भाई मैं नहीं मरने वाला, पहले ही बता रहा हूँ। स्टार्ब्लेड तुम मर जाओ, तुझे मरने की जल्दी है? तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ गया आया? मैं हाँ स्टार्ब्लेड तुम खुद की बलि चढ़ा लो यार। नूब भाई स्टार्ब्लेड कितना अच्छा है ना? हाँ पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जा। यार रुक जाओ लीवर मत दबाना। देखो यार मेरे एरोस खत्म हो गए, क्या करूं? देखो भाई अभी मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, आजकल के जमाने में जो है ना, जो दिखता है वो नहीं होता, पर जो नहीं होता ना वो दिखता है, मतलब जो नहीं दिखता वो हमें होना चाहिए एक्चुअल में। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? ठीक है अभी मेरे ध्यान से बात सुनो देखो इधर देखो, अभी है ना आजकल मैं क्या करने जा रहा हूँ, मतलब मैं एक पब्लिक एसएमपी स्टार्ट करने की नहीं सोच रहा हूँ। नूब भाई हमला। अरे यार ये नूब भाई भी एक शॉट में मर गए। अब बस बहुत हो गया, मैं TNT फोड़ रहा हूँ। यार देखो एक फाइनल डील है मेरे पास, लीवर मत दबाना। देखो चलो पीछे जाओ। अरे देखो मेरी बात सुन। अरे आगे क्यों आ रहे हो, पीछे जाओ। अरे हाँ पीछे ही तो जा रहा हूँ ना, मैं लीवर दबा दूंगा। तू क्या लीवर दबाएगा, ये ले मार खा साले, फटाफट से ये रिपीटर तोड़ो, सब कुछ तोड़ो। यस और वेट, वो कहाँ गया? वो भाग गया लगता है, रुको वो कहाँ गया? पर हमने SMB को बचा लिया। यस पर अब ये सारे TNT हटाने पड़ेंगे, तो चलिए मजदूरी करते हैं। और नूब भाई हमारे SMP से फाइनली सारे खतरे हट गए, और इसी खुशी पे आ रहा है एक नया मेंबर। कौन आ रहा है? एक रैंडम सब्सक्राइबर है, तो उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ओके ये ज्वाइन द गेम। ओके ये आ गया, यस लेट्स गो, नया मेंबर आ गया। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑगी SMP में, आप इधर खुशी से रहिएगा। okay. और आप इधर अपना घर बना सकते हो, ठीक है? मस्त घर बना देना, ठीक है? okay. तो गाइज मैं इधर है ना इसके लिए थोड़े गिफ्ट्स लेके जाता हूँ, बेचारा खुश हो जाएगा बच्चा। तो भाई मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ इधर। नहीं अरे इधर देखो यार। नहीं यार SMP से निकाल दूंगा अगर इधर नहीं देखा तो। okay. हाँ ये ले, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मस्त है ना गिफ्ट्स, ये ले। चलो थैंक यू बोल। नहीं यार बिना थैंक यू बोले चले जाते हैं यार, ये क्या हो रहा है, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बन गया, ओ इसने अपना घर बना लिया, चलो देखते हैं। ओके इसने, यार तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा घर नहीं बना लिया,
The next day. Okay, इधर अभी अगला दिन है, अभी क्या करें हम? ओह वेट, क्या हुआ तुम दोनों को? यार क्यों आए हो, बोलो क्या हुआ, बोलो बोलो। अर्जेंट मीटिंग। यार मैं लीडर हूँ, मुझसे बिना पूछे ही मीटिंग कर देते हो। ठीक है मैं आ रहा हूँ, चलो चलो भाई। यार इन लोगों ने ये क्या बना दिया, इधर नूब भाई है, ये कोर्ट जैसा क्यों लग रहा है? रुको मुझे कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देखो बस भैया, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, आप जो है एकदम फालतू लीडर हो। आप जैसे फालतू लीडर मैंने नहीं देखा, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, और जो भी सारी मुसीबत आई है ना वो आपके कारण ही आई है। बात तो सही है। अरे कुछ सही नहीं है, ये क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूँ, आप जैसा फालतू लीडर मैंने कभी नहीं देखा है। ये क्या बात करता है यार। नुबाई सीधे सीधे बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? देखो बस भैया, आप जब से लीडर बने हो आपने कुछ भी नहीं किया है, आप सिर्फ लीडर बनने के बाद रोटियां तोड़ रहे हो। क्या? अरे नूब भाई आप इधर नए हो, मुझे बहुत अनुभव है, मेरे पास 30 इयर्स का 30 साल का एक्सपीरियंस है, पता नहीं है आपको। अरे पर आप 15 साल के ही हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भैया आप कितना घटिया लीडर हो। अरे नूब भाई ये सब कहने में अच्छा लगता है, आपको पता भी है? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं। पर आप बहुत ही फालतू लीडर हो। अच्छा रुको, आपको ऐसा लगता है तो एक दिन के लिए लीडर बन के दिखाओ। नहीं नहीं भैया, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। बस हवा निकल गई। चलो बोलो, बनोगे एक दिन के लिए लीडर? भैया वो प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो पूरी जनता देख रही है, अभी सोच लो एक बार। अगर ऐसा है तो मैं एक दिन के लिए लीडर बनके देखता हूँ। तो गांव वालों तय हो गया, अगले 24 घंटे के लिए नूब भाई ओगी एसएमपी के लीडर है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। The next day. ओ भाई साहब सुबह हो गई और अब लीडर नूब भाई है। वेट ये क्या है, इतने साइंग बोर्ड्स? वेट ये क्या लिखा है, नूब भाई की जय हो, नूब भाई की जय हो, इसमें भी? यार ये क्या है मतलब? वासु भाई इधर देखो। अरे आप अपुन लीडर। यार रातों रात इतना काम कर दिया। अरे स्टाफ लीडर ये क्या हो रहा है, तुम भी नूब भाई की जय हो बोल रहे हो? अरे नहीं ये सब मेरे बंदे हैं। चलो मैं आप सबको काम देता हूँ। क्या काम? देखो तुम जो है मेरे लिए एक टाउन हॉल बनाओ, हमारे एसएमपी के लिए बहुत अच्छा सा बनना चाहिए। यार ये नौकर समझ के रखा है क्या? हाँ तुम जाओ और तुम मुझे डायमंड का आर्मर दो। मैं? हाँ मैं नहीं देने वाला भाई। तुमको स्टाफ लीडर के पास जाने दो। यार स्टाफ लीडर देखो मुझे जो है अपना डर्ट का एक कैसल बनाना है, तो तुम जाके बना दो, काम हो जाना चाहिए। नहीं स्टाफ लीडर नहीं बनेगा। देखो यस 30 दिन के लिए बैन। व्हाट 30 डेज का बैन दे दिया तुमने? हाँ, वो बस किक हो गया। वो पागल हो गया क्या? वो बैन हो गया। अब तुम्हें क्या बैन करना है, डायमंड का आर्मर दो मुझे जल्दी से। हाँ यार ले लो, मैं अपना टाइम आएगा देखना। A few minutes later. अरे यार इसने सच में टाउन हॉल बना दिया। यार ये कैसा आदमी है मतलब? हाँ बहुत अच्छा काम किया। बोलो नूब भाई जिंदाबाद। नूब भाई मुर्दाबाद। अरे इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। A few minutes later. ठीक है यार मैं मेरे घर में आ चुका हूँ। पर अरे मेरे घर में क्यों आ रहे हो? रुको। और ये मैंने चेस्ट तोड़ी। अरे मैं तुम्हारा सामान जब्त कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेड पड़ी है। यार ये क्या है मतलब, ऐसा कैसे यार? तुम कुछ काम नहीं करते हो यार। ये नूब भाई का साइन बोर्ड हटाओ यार, नूब भाई की जेओ कुछ भी जेओ नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं मैं वो साइन बोर्ड टूट गया तो मैं लगा रहा था भाई अच्छे से, नूब भाई की जेओ लिख के। हाँ ऐसा। हाँ ठीक है भाई। अच्छा अच्छा है। अरे काहे का जेओ, तोड़ो इसे। पहले तो सब लोग मेरे पीछे आओ। क्यों क्या हुआ? पहले तो इस बाथरूम को तोड़ो यार। अरे ये बाथरूम नहीं, ये मेरा पुराना वाला घर है यार। हाँ जो भी है पर तोड़ो। अरे नहीं नहीं प्लीज 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 नूब भाई इसको मत तोड़ो, प्लीज प्लीज यार। ठीक है रो मत यार, रोना आ जाएगा मुझे भी। ठीक है नहीं तोड़ेंगे बस। हाँ थैंक यू। अभी नूब भाई आपके लीडरशिप खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हाँ पर उससे पहले मुझे एक और काम करना है। क्या? बासु भाई को जेल में डाल दो। व्हाट? नहीं नहीं रुको। बासु तुमने एक बार तो ओगी एसएमपी को बचा लिया, पर मैं दोबारा जरूर आऊँगा, देख लेना।